नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल मेंटल एबिलिटी सेक्शन के, यानी रीजनिंग सेक्शन के, जो पिछले कई सालों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पैटर्न आपको समझ ही में आ गया होगा अभी तक। नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करके आना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। वॉल्स, डोर्स, फ्लोर्स, फाउंडेशन, फाउंडेशन, बेसमेंट। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, क्योंकि ये ऑड है। फाउंडेशन इज द मेन पार्ट ऑफ फर्स्ट थिंग, आफ्टर द रेस्ट आर मेड। क्वेश्चन नंबर टू, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम वर्ण का चयन कीजिए। डी यू के पी जे क्यू जी टी, इसमें क्या है, डी यू अपोजिट नहीं है, के पी जे क्यू जी टी, ये जितने भी पेयर हैं एक्सेप्ट फर्स्ट, वो क्या है, पेयर अपोजिट लेटर्स हैं। के का अपोजिट पी हुआ, जे का अपोजिट क्यू हुआ, जी का अपोजिट टी हुआ, डी यू के केस में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस डेट विल कम्प्लीट द सीरीज। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद अज्ञात है। आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। बी डी सी ई डी एफ ई जी, बी प्लस वन सी आया, सी प्लस वन डी आया, ई डी प्लस वन ई आया, डी प्लस ई, डी प्लस वन ई है, ई प्लस वन एफ है, एफ प्लस वन जी है। तो जी प्लस वन क्या हो जाएगा, जी प्लस वन एच होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें प्लस वन की सीरीज है, दोनों पेयर जो है वर्ड के लेटर के सब में प्लस वन कर देना है। तो ई में प्लस वन करेंगे एफ आएगा, जी में प्लस वन करेंगे ये आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस डेट विल कंप्लीट द सीरीज। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है, डब्ल्यू यू वी टी एस आर क्यू पी ओ, इसमें माइनस थ्री की सीरीज है, माइनस डब्ल्यू में माइनस थ्री जब करेंगे तो टी आएगा, यू वी में माइनस थ्री करेंगे यस आएगा, यू में माइनस थ्री करेंगे आर आएगा। तो सेम करेंगे हम क्यू पी ओ के साथ, क्यू माइनस थ्री फोर, क्यू में माइनस थ्री करेंगे क्या आएगा, एन एम ओ पी क्यू, तो एन आएगा। फिर उसके बाद पी में माइनस थ्री करेंगे एम आएगा, ओ में माइनस थ्री करेंगे एल आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। और लिबरेशन, इसमें जितने भी लेटर्स हैं, चार ऑप्शन हैं, चारों में से आपको ये देखना है कि कौन से जो ऑप्शन है इससे नहीं बन सकते हैं लिबरेशन से। तो रेशियो बन सकता है, आयन बन सकता है, बीयर बन सकता है, लिबरल, लिबरल में देखो डबल एल है ना, लिबरल, लेकिन लिबरेशन में सिर्फ सिंगल एल है, तो लिबरल नहीं बनेगा क्योंकि इसमें डबल एल यूज हुआ है और इसमें लिबरेशन में सिंगल एल है। तो ऑप्शन फाइव का डी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ, इस साइन चेंज वाले क्वेश्चन है, सो सिंपल है, ठीक है, इसमें आप साइन चेंज करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इफ माइनस डिनोट्स डिवाइडेड, डिनोट्स डिवाइडेड बाई, प्लस डिनोट्स सब्ट्रैक्टेड फॉर्म, एंड मल्टीप्लिकेशन डिनोट्स एडेड टू, एंड एडिशन डिवीजन डिनोट्स मल्टीप्लाइड बाई, देन वैल्यू क्या होगी इसकी, फोर। जैसे अब डिवीजन है तो डिवीजन डिनोट्स व्हाट, डिवीजन डिनोट्स मल्टीप्लाइड, तो डिवीजन के प्लेस पे हम फोर इंटू सिक्सटीन कर देंगे, सिक्सटीन इंटू फाइव है, तो एक्स ये डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन ऐड को, तो यहाँ एक्स जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसको ऐड से रिप्लेस कर देंगे, तो फोर इंटू सिक्सटीन प्लस फाइव हो जाएगा,
और ये जो डिवीजन का एडिशन का साइन है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि सब्ट्रैक्टेड ये प्लस साइन डिनोट सब्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और माइनस जो है वो हो जाएगा डिवीज़न, तो जो आंसर आएगा वो 67 आएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। साइन चेंज करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन, एज इस टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा फिगर बेस्ड पे। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी, सो सिंपल इसमें है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, देख लो फिट बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड, ये आपको बताना है, दी गई उत्तर आकृति से उसका चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है, संकलित है, ये वाई जो है ब्रैकेट किस बॉक्स में छिपा हुआ है, ये देखिए इसमें छिपा हुआ है ना, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ये जो फिगर है इस वाले फिगर में छिपा हुआ है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपेंड, एक कागज़ के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है जैसे कि नीचे दर्शाया गया, ये देखिए फिगर में देखिए, एक कागज़ के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है, नीचे दिए गए चित्रों से ज्ञात कीजिए कि खोलने जाने पर वह किस प्रकार दिखेगा, ये पंच है ना, इसको डबल फोल्ड किया फिर ऐसे फोल्ड करके पंच कर दिया गया है, तो इसे ओपन होगा तो कैसे दिखेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ना, बी नहीं सी होगा, ऑप्शन ऑप्शन सी का होगा, ये ओपन होगा जब ऐसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ पंच हुआ है ना, तो एक साइन इधर जाएगा एक साइन इधर जाएगा, एक साइन इधर जाएगा एक साइन इधर जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, तो कार रोड पे चलती है, कार रोड पे चलती है, रेल किस पे चलेगी, ट्रैक पे चलेगी, ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए, इसमें क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई है ना, वाई वाई वाई, वाई कर दें, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई वाई, ए वी सी डी ई ई ई होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए, 102, 104, सेम सिंपल है, 102 का स्क्वायर कितना हुआ, 104, 404, 104, 04, ये 102 का स्क्वायर है, 104 का स्क्वायर क्या होगा, 108, 16, इसके शॉर्ट ट्रिक पता है ना आपको, स्क्वायर निकालने वाली, नियरेस्ट 100 है तो वैसे निकल आएगा, सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन व्हिच आंसर फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, क्यू फॉर्मेशन है इसमें, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न में दिए गए चित्र को तब्दील करके कौन सा उत्तर चित्र बनाया जा सकता है, ये बताना है आपको, कौन सा बनेगा, ये जब हम फोल्ड करेंगे उधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया आएगा, ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि जो ब्लैक है वो ब्लैक जो है अपोजिट साइड होगा ए के, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये तो इसका कोई चांस ही नहीं, डी बनेगा, क्योंकि जो ब्लैक है ये ब्लैक इसके अपोजिट साइड होगा,
ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन फिगर व्हिच नंबर रिप्रेजेंट कोल्ड ड्रिंक व्हिच इज ब्लैक एंड स्वीट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कौन सा अंक ठंडा पेय का प्रतिनिधित्व करता है जो काला और मीठा है। देखिए जो रेक्टेंगल है ड्रिंक है, 1, 2, 9, 4, 7, 8 ये ड्रिंक है। ब्लैक देखिए जो ट्रायंगल है ये स्वीट मीठा है, ये कोल्ड जो है ये रेक्टेंगल है ये स्क्वायर है। तो हमको बताना है कि जो कोल्ड ड्रिंक है ब्लैक भी हो और स्वीट भी हो, ऐसी कोल्ड ड्रिंक जो ब्लैक और स्वीट दोनों हो। तो कोल्ड ड्रिंक में हम जाते हैं पहले 9, 8, 7, 9 देखते हैं 9 है क्या। 9 जो है ब्लैक नहीं है, हटाओ, 8 भी ब्लैक नहीं है, ये भी चला गया। 7 देखते हैं, 7 ब्लैक भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है और ये कोल्ड भी है, मीठा भी है। ब्लैक और मीठा होना चाहिए ना कोल्ड ड्रिंक, तो ऑप्शन 7, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ माइनर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी देन व्हिच ऑफ द आंसर गिवन इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यदि रेखा ए बी पर एक दर्पण रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर चित्र प्रश्न चित्र का की सही छवि होगी। ये देखो जो फिगर है, फिगर पर जब मिरर रख दिया गया है तो ये इमेज क्या हो जाएगी, कैसी बन जाएगी, इनवर्ट। ये जब मिरर रखा गया तो ये नहीं बनेगी, ये भी ये भी ये भी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये वाली बनेगी ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। पावर क्या है, पावर की एसआई यूनिट है ना वाट, वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट है कि यूनिट है सिर्फ, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पावर की यूनिट वाट है, तो प्रेशर न्यूटन, फोर्स पास्कल, रेजिस्टेंस एमएचओ, वो वर्क का जूल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जूल, वर्क की यूनिट क्या है, जूल, तो पावर की यूनिट वाट, जूल की यूनिट वर्क, यूनिट जूल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। एन पी बी जी ओ क्यू सी एच ए जी ए जे ओ टी, ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, इसमें -1 +1 चल रहा है क्या, +1 चल रहा है, N+1 O एन ओ, इसमें क्या चल रहा है, एन ओ पी क्यू बी सी जी एच 1 चल रहा है, तो ए बी जे के 1 चल रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। 101 का स्क्वायर ये है, 10201, 107 का स्क्वायर 11449 होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्क्वायर आने बहुत ज़रूरी हैं, स्क्वायर रट डालो। ये जो 100 वाले स्क्वायर हैं इनका ट्रिक पता है ना निकालना आपको, शॉर्ट ट्रिक है, तुरंत आ जाएगा, नियरेस्ट 100 करके, नियरेस्ट 0 डिजिट करके आपको निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 19, इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट फिलोसोफर, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स पुलिस ऑफिसर, द सर्कल रिप्रेजेंट्स फार्मासिस्ट एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अमेरिकन। व्हिच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट अमेरिकन्स हु आर पुलिस ऑफिसर्स। ये देखिए, निम्नलिखित आकृति में वर्ग दार्शनिकों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज जो है पुलिस अधिकारी का प्रतिनिधित्व करता है, सर्कल फार्मासिस्ट का प्रतिनिधित्व करता है और आयत जो है अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्णों का कौन सा सेट अमेरिका का प्रतिनिधित्व, अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करता है जो पुलिस अधिकारी हैं। तो पुलिस जो है ट्रायंगल्स वाले हैं, ये ट्रायंगल्स के पुलिस हैं। अमेरिकन्स कौन हैं, अमेरिकन रेक्टेंगल के हैं, ये रेक्टेंगल और सर्किल में देखते हैं,
रेक्टेंगल और सर्कल में जो आ रहे हैं, नहीं रेक्टेंगल और ट्रेंगल, द ट्रेंगल रिप्रेजेंट पुलिस ऑफिसर, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अमेरिकन, ट्रेंगल और बी सी ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा है, बी का इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ट्रेंगल और रेक्टेंगल दोनों में कॉमन कौन है, बी सी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिव क्वेश्चन फिगर, कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी, तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए नहीं ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 to 23 क्या करना है, मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, तो मिसिंग नंबर ए बी डी जी, इसमें प्लस सीरीज चल रही है, +1 +2, +1 ऐड किया, बी आया, +2 ऐड किया, डी आया, +3 ऐड किया, जी आया, +4 ऐड करेंगे क्या आएगा, के आएगा प्लस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। VWRTUPRSN, इसमें क्या हो रहा है, -2 सीरीज चल रही है, -2 कर देना है सबसे, V-2T W-2 U R-2 P आया, तो ठीक हम आर एस एन के साथ करेंगे, आर एस एन में जब सारे आर से माइनस करेंगे 2 को तो क्या होगा, R-2 तो P आएगा, S-2 कौन सा आएगा, S-2 Q आएगा एंड N-2 L आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23, 3 10 31 94, आंसर सी इसमें सही होगा, किस लिए सही होगा, इसमें देखो 3 × 3 × 3 9 + 1 10 आया, फिर 10 × 3 + 1, इसमें 3 से इंटू करके +1 ऐड हो रहा है, 3 × 3 9 + 1 आ गया, 10 × 3 13 + 1 31 हो गया, 31 × 3 जब होगा तो 93 + 1 हो जाएगा 94, 94 × 3 जब होगा 282 + 1 डेट इज इक्वल 283, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड, ऐसा कौन सा है, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, सो सिंपल, ये जो फिगर है मैच करना है किस वाले बॉक्स में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर, फ्रॉम द गिवेन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपियर वेन ओपेंड, एक कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, नीचे दिए गए चित्रों से ज्ञात कीजिए कि खोले जाने पर वह किस प्रकार दिखेगा, ये देखो जो फोल्ड किया, इसको डबल फोल्ड किया, फिर ट्रिपल फोल्ड किया, फिर ये ट्रेंगल शेप में बना दिया, इसको पंच कर दिया, तो जब ये ओपन होगा, तो जब ये ओपन होगा तो एक साइन इधर आ जाएगा, फिर जब ये ओपन होगा तो एक इधर एक इधर, फिर ये पूरा फोल्ड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो जब बनेगा आंसर हमारा कौन सा बनेगा, ये नहीं बन रहा है, बी बन रहा है क्या, नहीं बी नहीं सी बन रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये आज के मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन हो गए 25 क्वेश्चन, आपको किसी टॉपिक पर वीडियो देखना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए, हम एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम होने से पहले आपको मॉडल टेस्ट पेपर अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम।